अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज सिद्दीकी है। मैं क्वींसकर हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारा 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हमारी स्पेशलिटी बेसिकली पीडियाट्रिक है एंड मटर्निटी है। हमारा 10 बेड का NICU भी है जो काफ़ी बेहतरीन है। उसमें 24/7 डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। हमने अभी हाल ही में 800 ग्राम बच्चे को एकदम सक्सेसफुली मैनेज करके घर भेजा। हमारे पास NICU में बेहतरीन मशीनें हैं, लाइक प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए हमारे पास इनक्यूबेटर्स हैं। हमारी OT की जो मशीनें हैं वो काफ़ी लेटेस्ट है और हमारी OT में हर तरह की सर्जरी आप करवा सकते हो और हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी बेहतरीन है विद अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ। थैंक यू। मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अक्सर आपने देखा होगा कि एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी पर किसी बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और तूतू मेमे कर आपस में नोकझोंक भी कर लेते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां एक महिला होमगार्ड SI का कॉलर पकड़कर खींचते हुए थप्पड़ मारने का आरोप लगा रही है और कहते हुए सुना जा सकता है कि कम मत समझो, तुम पावर में हो तो मेरे पास भी पावर है। बताया जा रहा है महिला का नाम दीपशिखा है जो होमगार्ड के तौर पर यातायात थाना भभुआ में तैनात है। वहीं महिला जिस पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ी है वो यातायात प्रभारी विजयानंद पाठक बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के कैमूर जिले का बताया जा रहा है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। SI विजयानंद पाठक के अनुसार महिला ड्यूटी के समय कान में हेडफोन लगाकर बातें करती रहती थी और ड्यूटी के समय लापरवाही करती थी। ऐसा आरोप लगाते हुए यातायात प्रभारी विजयानंद पाठक ने क्या बताया, हम आपको सुनाते हैं। मारपीट का आरोप निराधार है, गलत है। ड्यूटी के संबंध में उसको बराबर लापरवाह रहती थी और पदाधिकारी कई एक बार उसको चेतावनी दे चुके थे। कल हम भी गए तो ड्यूटी में लापरवाह है, JP चौक पर चेक करने के लिए, तो ड्यूटी में लापरवाह थी। कान में मोबाइल का अपना ईयरफोन लगाकर बात कर रही थी और बैठी थी, इसी पर उसको हम फटकार लगा कि काहे ऐसा कर रही हो, ड्यूटी में तुम्हारा बार बार का ये है। तो बोले कि हमारा हम ड्यूटी नहीं, हमको अवकाश चाहिए। बोले कि अवकाश तो हमारे यहाँ से नहीं होता है, मानवता के नाते तुमको कल रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है, हम आज ड्यूटी करके जाएंगे। हम जब तक चले तब तक बीच में ड्यूटी छोड़ के भाग गए। उसी पोस्ट पर तैनात होमगार्ड के जवान ने एक और फोन किया कि ड्यूटी छोड़ के भाग गई है। मैं कहा काहे ऐसा कर रही हो, और चले आए हम अपना थाना पर। इसी बात पर थाना पर आकर के हमसे उलझ गई।